ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है। आप अक्सर ये कमेंट्स मुझे करते रहते हैं कि पंडित जी, हमारी गलती क्या है? लोग हमसे जलते क्यों हैं? क्या कारण है? कुछ तो बताएं, कुछ कारण तो होगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम तो लोगों का मदद करना चाहते हैं, हमेशा लोगों का अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग जलते हैं, लोग हमारा बुरा चाहते हैं और तकलीफ़ में हमें डालना चाहते हैं। आखिरकार ऐसा है क्यों? तो इस पूरे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है और अगर ऐसा होता है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं और इस पूरी सिचुएशन से हम कैसे बाहर आ जाएं। तो उससे पहले एक छोटा सा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, यूनिक नाम लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कोई जीवन में तकलीफ़ या परेशानी से अभी आप गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। उसका फ़ीस शुल्क लागू है दोस्तों, आप पे करके बात कर सकते हैं। होता ऐसा है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सरल लोग होते हैं, वो सबकी मदद करते हैं। वो खुद के परिवार के लोगों को जैसा ट्रीट करते हैं, जितना भावनात्मक होते हैं, वैसे वो हर एक व्यक्ति के साथ उनकी वही भावनाएँ, वही संवेदनाएँ होती हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि हमारी संवेदनाएँ, हमारी भावनाएँ तो सच्ची है पर सामने वाले की भावनाएं सच्ची नहीं हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले की भावनाएं भी सच्ची होती है पर उससे जुड़े हुए लोग वो हमारा मिसयूज़ करते हैं, हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं। हमारी अच्छाई का हम कुछ कहते नहीं हैं, हम मदद करते हैं, इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। और जब हम किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर बहुत हद तक खुद को बहुत परेशान करती हैं, और जब वो खुद को परेशान करती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, और यही बेचैनी है जो हमें परेशान करती है। फिर हमें बहुत से मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं, बहुत से, कई बार लोग तो इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। तो मुख्यतः ये बात आप समझ लें कि आप एकदम से किसी भी व्यक्ति पर यकीन ना करें, थोड़ा टाइम लें, उसको ऑब्जर्व करें, उसकी बातों को बहुत गंभीरता से समझें, क्योंकि कई बार वो कुछ छल कपट तो नहीं कर रहा हमारे साथ। उसके बाद आप उस पर विश्वसनीयता पर जाएं, एकदम तुरंत विश्वास करके तुरंत चीज़ों को करने से होता ऐसा है कि डिसीजन गलत हो जाते हैं और लोग हमसे जलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक अच्छे लोग से सभी लोग, अच्छे लोग से बुरे लोग जो है ना वो जलते ही। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, उनके जलने से ना हमें कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है, क्योंकि हमारे साथ भोलेनाथ हैं। क्योंकि जो लोग भोले सरल सहज होते हैं उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। और एक वादा मानिए कि आपके साथ कभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, आपका बुरा कभी नहीं होगा। थोड़ी बहुत परेशानी सबके जीवन में आती है और आना भी चाहिए, उससे हमें सीखने को मिलता है, पर आपका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। ये भी प्रैक्टिकल है और ये मैंने खुद अनुभव भी किया है और बहुत से जातक ने इस चीज़ को अनुभव किया है। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दे कि लोग जलते हैं और ये करते हैं, उन्हें जो करना है वो करने दे, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें, बाकी सब अच्छा होगा।